हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे क्लास में। मैं प्रियांशु कुमार लेकर आया हूँ मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको मैकेनिक्स बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, यह कोर्स आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह कोर्स बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि यह चैप्टर 4 का 5वां लेक्चर है, और मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया था और इम्पोर्टेंट फार्मूला भी देखे थे, जो कि मैकेनिक्स में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको मैकेनिक्स में, जिससे आपको सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जनरली सवाल आते रहते हैं। इससे जनरली दोस्तों, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का तीन टाइप होता है। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए दोस्तों, तीनों को एक एक करके जानते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, पहला लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है दोस्तों? तो इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई अ टू साइड ऑफ ट्रायंगल टेकिन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटिंग इट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल देन टेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर किसी दो वैक्टर दिया हुआ रहे और पहले वैक्टर के डायरेक्शन में ही दूसरे वैक्टर का डायरेक्शन हो, और तीसरे वैक्टर जिसको हम रिजल्टेंट वैक्टर कहते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसी को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, या फिर हम उसी को सॉल्व करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। मान लीजिए दोस्तों कि ये जो फिगर है, आप फिगर से देखिए, यह दोस्तों वेक्टर ए है, यह दोस्तों वेक्टर बी है। दोस्तों देख सकते हैं आप, वेक्टर ए के सेम डायरेक्शन में है वेक्टर बी, लेकिन जो रिजल्टेंट है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, यह ऐसे इस डायरेक्शन में गया है। तो दोस्तों यह कैसा होगा, किस डायरेक्शन में है दोस्तों? कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस फिगर से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए दोस्तों, यह वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, इसके सेम डायरेक्शन में वेक्टर बी है, और इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। तो यह आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यह कहता है कि अगर पहला वेक्टर के डायरेक्शन में ही दूसरा वेक्टर हो और तीसरा वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। और इसका आर बराबर होता है दोस्तों ए प्लस बी, और इसमें भी दोस्तों आर बराबर हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यह है कि मान लीजिए दोस्तों यह एक वेक्टर दिया हुआ है आपको वेक्टर एक्स, तो इसमें जो दोस्तों ये वाले साइड होता है इसको हम टेल कहते हैं, और दोस्तों ये जो साइड होता है इसको हम कहते हैं हेड। जैसे दोस्तों देख सकते हैं, इस वाला साइड को हम दोस्तों टेल कहते हैं और ये वाला साइड को हेड कहते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर किसी पहला वेक्टर का हेड किसी दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ रहे और रिजल्टेंट वेक्टर हेड से हेड जुड़ा हुआ रहे, तो उसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यह जो वेक्टर ए है इसका ये वाला जो साइड होता है, ये वाला साइड जिसको हम टेल कहते हैं, और ये वाला साइड जो होता है एरो वाला साइड, इसको हम हेड कहते हैं। और इस एरो वाला साइड से ये वेक्टर बी का टेल वाला साइड जुड़ा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, यह जो ये वाला साइड है ये इस वाला साइड से जुड़ा हुआ है, यानी हेड टेल से जुड़ा हुआ है। और जो आर वेक्टर है दोस्तों ये वाला, ये जुड़ा हुआ है इसके हेड से हेड, तो इसको भी हम दोस्तों ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इफ द टू वेक्टर आर गिवेन एंड देयर सम ऑफ दीज टू वैक्टर विद द ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन, देन द हेड ऑफ फर्स्ट वैक्टर एट द टेल ऑफ सेकेंड वैक्टर। कहने मतलब भी दोस्तों कि पहला वैक्टर का जो हेड होता है वो दूसरे वैक्टर के टेल से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तभी हम उसको ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन क्या होता है इसे जानते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पीछे ही बताया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किन्हीं दो वेक्टर पे
काम करता है। लेकिन अगर दोस्तों दो से ज़्यादा वेक्टर दे दिया जाए तो क्या होगा, तो उसी को सॉल्व करने के लिए या कह सकते हैं उसी को रिजल्टेंट निकालने के लिए हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोस्तों यह कहता है कि दो या दो से ज़्यादा अगर वेक्टर दिया हुआ रहे और उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना रहे, सॉरी दोस्तों, अगर उसका रिजल्टेंट निकालना रहे तब हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का सहायता लेते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, व्हेन मोर देन टू वेक्टर एक्टिंग ऑन द बॉडी विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट अ पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट इज ऑब्टेन बाई पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहने मतलब तो यह दोस्तों कि किन्हीं दो से अधिक वेक्टर अगर किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है और जो इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो समान है किसी पॉइंट पर, तब उसका जो रिजल्टेंट होता है वो किससे निकलता है दोस्तों, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो यह भी इस मेथड में भी दोस्तों जो टेल होता है इच वेक्टर का वो जॉइन होता है हेड ऑफ दी अनदर वेक्टर से दोस्तों, जैसा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में होता है। खाली इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें दो या दो से अधिक होता है वेक्टर, और ट्रायंगल ऑफ एडिशन में क्या होता है दोस्तों कि दो ही वेक्टर होता है। जैसा कि दोस्तों इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, इसमें एक वेक्टर नहीं है, दो वेक्टर नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पाँच नहीं है, इसमें टोटल छः है वेक्टर है। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये जो ए बी वेक्टर है प्लस बी सी वेक्टर है, सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और ई ए वेक्टर इक्वल टू होता है दोस्तों ए ए वेक्टर से। देखिए दोस्तों देख सकते हैं, ये है इस डायरेक्शन में, बी सी वेक्टर है जो इस डायरेक्शन है, यानी कहने मतलब कोच है दोस्तों ये सेम डायरेक्शन में है दोस्तों। सी डी वेक्टर जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है, डी और ई जो वेक्टर वो भी सेम डायरेक्शन में है, और ई और एफ जो वेक्टर वो सेम डायरेक्शन में होता है दोस्तों। लेकिन हम क्या बताया था, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो ए और एफ है दोस्तों जो देख सकते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों। तो ये आपको जो ए एफ है वो इक्वल टू होना चाहिए दोस्तों कितना का, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू ए एफ, ये कहता है दोस्तों सेकेंड लॉ जो कि है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपको दोस्तों याद कर लीजिएगा यहाँ पर जो नोट किया हुआ है, नहीं तो आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए कहीं पर कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई एफ इज इक्वल टू वेक्टर ए एफ, ये दोस्तों पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है। तो ये दोस्तों आया कहाँ से, चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। ये दोस्त देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये दोस्तों आया कहाँ से, तो जो प्रीवियस पेज में जो पिक्चर था दोस्तों हम उसी पिक्चर को यहाँ पर बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर वही है, नाम भी सब वही सेम है। तो दोस्तों हमको इसको प्रूफ करना है कि इसके इतना के बराबर ए एफ आ जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या पढ़े दोस्तों, कि अगर किसी दो वेक्टर दिया हुआ है सेम डायरेक्शन में और उसका जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, अगर हम ए से अगर हम सी को दोस्तों अगर इसे मिला दें तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है कि नहीं दोस्तों, देखिए तो ध्यान से ये एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या कहता है दोस्तों कि वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी कहता है ना दोस्तों। तो देखिए वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, ए सी, और ए सी का हम नाम ए सी न रख कर आर वन रखे हैं, तो हम आर वन लिख सकते हैं दोस्तों आराम से, यस हाँ दोस्तों आर वन लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब कौन बच गया दोस्तों, सी डी प्लस डी प्लस ई एफ, तो दोस्तों सी डी प्लस डी प्लस ई एफ हमेशा को ऐसे ही लिख दिया। अब दोस्तों देखिए, अब हम ए से अगर डी को मिला दें तो अब दोस्तों देखिए ये ए सी डी ए एक ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन से क्या कहता है दोस्तों कि अगर ए सी प्लस सी डी को अगर मिलाए तो वह ए डी के बराबर होता है दोस्तों। तो हम ए सी का नाम क्या रखें दोस्तों, तो आर वन। तो कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आर वन प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो आर वन प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी। अब ए डी का नाम ए डी रख कर हम क्या रखें, आर टू दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर आर टू हो गया। अगर हम ए और ई को मिला दें तो ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए एकदम। और ये क्या कहता है दोस्तों, ये भी वही है, अगर हम जो ये डी है जो डी, तो ये यहाँ पर कुछ होता दोस्तों, तो ए और डी और ई ये भी एक ट्रायंगल बन गया दोस्तों। तो अब ये दोस्तों क्या कहता है कि ए ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू
ए कह सकते हैं ना दोस्तों। तो ए, तो यहाँ पर ए डी का नाम क्या है दोस्तों, तो आर टू, अब हम बोल सकते हैं दोस्तों आर टू प्लस डी ई इज इक्वल टू आर थ्री, मतलब कि ये ए वाला वेक्टर दोस्तों आर थ्री है, तो हम यहाँ पर आर थ्री भी लिख दे दोस्तों। अब आर थ्री अब तो बच गया दोस्तों, तो ई एफ बच गया ना दोस्तों, तो ई एफ, तो ई एफ हम यहाँ पर वैसे वैसे उतार दिया दोस्तों। तो अब दोस्तों जैसे देखिए, अब ये जो ए ई जिसको हम आर थ्री बोल रहे हैं, ए प्लस ई एफ प्लस ई जो दोस्तों एफ ए है, तो ये भी एक दोस्तों कुछ ही है, तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों। तो ट्रायंगल ये क्या कहता है दोस्तों कि ए जिसका नाम आर थ्री है, मतलब कि आर थ्री प्लस ई एफ अगर हम जोड़े तो ए एफ के बराबर होना चाहिए, कर सकते हैं दोस्तों। तो ए जिसको हम आर वन प्लस ई एफ अगर हम जोड़ दें तो ये ए एफ के बराबर आ जाएगा दोस्तों। तो हम इतना के जगह पे दोस्तों हम ए एफ नहीं लिख सकते हैं, अगर ये एफ लिख दिया तो इसके बराबर ए एफ बराबर एफ आ गया ना दोस्तों, ये एफ ही ना लाना था दोस्तों। और हम ए ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू ए एफ लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो चलिए दोस्तों ये प्रूफ हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले लोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है दोस्तों, अब इसे हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोस्तों यह कहता है कि अगर किसी दो वेक्टर दिया हुआ रहे और दोनों वेक्टर टेल से टेल जुड़ा हुआ रहे, तब उसका रिजल्टेंट फाइंड करना रहे, तब हम लोग दोस्तों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये जो वेक्टर ए है उसका टेल है दोस्तों ये वाला, और वेक्टर बी का जो दोस्तों टेल है वो भी ये वाला है, बताया था दोस्तों। तो वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के टेल से जुड़ा हुआ रहे और इसका रिजल्टेंट हमको निकालना रहे, तब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज लेते हैं। तो कैसे लगते हैं दोस्तों, चलिए सीखते हैं। तो ये मेरा दोस्तों कौन है, ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, ये मेरा वेक्टर आर है। तो चलिए दोस्तों, ये आर है, ये ए है, ये बी है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जितना होगा दोस्तों उतना मेरा ए भी होगा, और जितना ए होगा दोस्तों बेस उतना मेरा ए भी होगा, जितना बी है उतना बी होगा, जितना ए है उतना ए होगा, ये आर आर है। और अगर हम इसको एक ऊपर से परपेंडिकुलर डालें जो कि 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, और ये जो कोण है ये थीटा डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा एक थीटा डिग्री कोण बनाए हुए है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों जितना ये होता है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ पर हम एक्सटेंड इसको करके देखिए, तो ये भी एंगल यहाँ पे आ गया, और जितना ए है उतना ए हो जाएगा, जितना बी है उतना बी हो जाएगा दोस्तों। और इसी वाला साइड को हम वाई कह दिए, और इसके नीचे वाला जो साइज है उसको हम क्या कर दिए दोस्तों, एक्स कह दिए। तो चलिए दोस्तों देखते आगे। तो जो थीटा है दोस्तों वो एंगल बिटवीन है टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है दोस्तों। जो थीटा है मेरा, जो यहाँ वाला थीटा है वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का है, एंड रिजल्टेंट बी द ए एंड बी, जो आर है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं जो रिजल्टेंट है मेरा, ये दोस्तों जो रिजल्टेंट है मेरा ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का है। तो जैसे दोस्तों हम साइन थीटा बराबर क्या पढ़ते थे पहले, पी बाई एच, तो पी क्या होता है दोस्तों परपेंडिकुलर, और एच क्या होता है दोस्तों हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बराबर कितना था दोस्तों y, और हाइपोटेनस बराबर कितना था दोस्तों a। चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये जो परपेंडिकुलर हम था उसको हम क्या बोले थे दोस्तों y, और ये इसी को ना दोस्तों हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये कितना हो गया a, और इसके नीचे वाला बेस कितना है x। तो अगर p बराबर y है, h बराबर a है, तो यहाँ से y बराबर कर सकते हैं दोस्तों a साइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर कितना आता है दोस्तों, तो बी बाई एच हम लोग पढ़े थे। तो बी बराबर क्या होता है दोस्तों एक्स, ए बराबर क्या है दोस्तों ए, तो एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों ए कॉस थीटा। अब हम लोग दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या सीखे थे कि अगर किसी कर्ण का स्क्वायर किया जाए तो वह लंब के स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आर टू का स्क्वायर किया जाए दोस्तों तो वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर होगा। कैसे दोस्तों, दिखाते दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये कुछ ही है, ये आर है, ये आर है, हम इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये कितना कितना के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर में आना चाहिए। ये जो नीचे वाला है दोस्तों, ये नीचे वाला पूरा होल और ये वाला होना चाहिए दोस्तों, ये वाला। तो
अगर हम इस ये वाला में देखा जाए तो ये पूरा ऐसे ऐसे, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए दोस्तों। तो वही क्या है दोस्तों, हम यहाँ पढ़ी कि अगर वाई अगर आर स्क्वायर बराबर है तो वाई स्क्वायर करने मतलब कि ये वाला मतलब कहने मतलब ये वाला वाई स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों बी है और यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए दोस्तों। तो वही है दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया कहाँ से आया लाइन। अब बस दोस्तों इसको फार्मूला लगा कर सॉल्व कर देना है। जैसे दोस्तों देख सकते हैं आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो गया, यह वाई स्क्वायर है, वाई बराबर हम लोग कितना था दोस्तों तो ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। बी प्लस एक्स है तो बी क्या बी प्लस और एक्स बराबर क्या था दोस्तों ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया दोस्तों, होल स्क्वायर हो गया। अब लोग आगे बढ़ते हैं, अब देख दोस्तों ए स्क्वायर है साइन थीटा हो गया दोस्तों, यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला बैठा हुआ है दोस्तों, तो इसको तोड़िए तो क्या आएगा दोस्तों, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस में टू ए बी कॉस थीटा आएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा आएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा आ जाएगा दोस्तों। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं वन, तो ये वन से ए स्क्वायर में अगर गुना करा जाए तो ए स्क्वायर ही आएगा और प्लस में यहाँ पर बी स्क्वायर है प्लस में टू ए बी कॉस थीटा आ गया। तो आर बराबर क्या हो गया दोस्तों कि अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हो गया दोस्तों आपको प्रूफ है। दोस्तों आप डायरेक्ट यह फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर इसको डेरिवेशन भी आप लोग अच्छे से समझ जाइए। तो अब हम लोग इस पर रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपको वेक्टर ए बराबर तीन दिया हो रहा है और वेक्टर बी बराबर दो दिया हो रहा है और उसके एंगल जो रहता है दोस्तों वो 60 दिया हो रहा है, तब इसका रिजल्टेंट क्या होता है दोस्तों, मतलब कि दोस्तों आर फाइंड करना है। आर बराबर क्या था दोस्तों कि अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस कॉस थीटा होना चाहिए दोस्तों, सॉरी टू ए बी कॉस थीटा होना चाहिए दोस्तों। तो इसी फार्मूला पर एकदम सीधे पुट कर देना है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ए बराबर यह है, बी बराबर यह है, थीटा बराबर यह है, मैंने ए वेक्टर ए बराबर तीन है, वेक्टर बी बराबर दो है, थीटा बराबर यह है, आर बराबर पुट कर दीजिए दोस्तों, अंडर द रूट ए बराबर ए का स्क्वायर है तो तीन का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर है तो दो का स्क्वायर हो जाएगा, टू ए बी कॉस थीटा है, दो गुने तीन गुने दो कॉस थीटा, तीन का स्क्वायर नौ होता है दोस्तों, दो का स्क्वायर चार होता है और ये हो जाएगा तीन दुनी की छः, छः दुनी की बारह, बारह कॉस थीटा, और थीटा बराबर कितना दोस्तों 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 1/2 और ये 2 से ये 12 कट गया 6 बार में, तो यहाँ पर हम दोस्तों लिख सकते हैं 6 और 4 10 और 10 और 9 19, तो अंडर द रूट 19, ये होगा दोस्तों आपका रिजल्टेंट इस सवाल का, ये होगा दोस्तों आपका आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छा समझ में आ गया होगा, आपको तीनों का तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया दोस्तों। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में यहीं तक, मैं आशा करता हूं कि आपको इस लेक्चर में पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहे इस वीडियो सीरीज को। धन्यवाद।